एंट्रेंस एग्ज़ाम 9 अगस्त को फर्स्ट मीटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं पेपर लेकर आया हूँ सॉल्व पार्ट टू। पहले पार्ट में मैंने कुछ प्रश्न को हल कराया है, 50 क्वेश्चन को। नेक्स्ट में कंप्लीट इस पार्ट में मैं करवा देता हूँ फर्स्ट मीटिंग का। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्लड ग्रुप सर्वदाता है, ब्लड ग्रुप ओ, ओ पॉजिटिव, ये ऑप्शन में था और ये आंसर सही है। ओ पॉजिटिव सर्वग्राही है, किसी को भी ब्लड दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे हैं इस समय, जो कि इसके पहले बिपिन रावत जी थे जो इसमें रिटायर्ड हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिस्मोग्राफी में किसका अध्ययन होता है, भूकंप का, भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, शुद्ध वाक्य मूर्ति, उज्ज्वल, दीपक, तीनों दिए हैं लेकिन ये सब तीनों गलत हैं, इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, छायावाद के प्रवर्तक कौन थे, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर सिक्स, षडानन में षड धन आनन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वह बहुत बोलती है, बहुत बोलती है अर्थात ये बहुत जो है वो हमारा क्रिया विशेषण है, तो बहुत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, प्रसारण का विलोम संकुचन कह सकते हैं, प्रतिपादन हो सकता है। नेक्स्ट संबंध बोधक अव्यय का संबंध संज्ञा सर्वनाम होगा, उपसर्ग नहीं है, जो भी ऑप्शन दिए गए उसमें से दर्शन नहीं होगा उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह क्या है, जैसे दिन रात में लगा होता, माता पिता में लगा होता है, इस तरह से ये आपका संयोजक चिन्ह है। एक चिन्ह है, यह चिन्ह क्या है, यह चिन्ह है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 13, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी मरे नदी है जो 25 से 75 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, 1918 में गांधी जी का आंदोलन खेड़ा आंदोलन, इसके साथ साथ किसान आंदोलन भी हुआ था लेकिन खेड़ा आंदोलन ऑप्शन में था इसलिए आपको खेड़ा आंदोलन ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, धारा 302 हत्या का आरोप। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट नंबर 16, दिल्ली, दिल्ली कब राजधानी बनाई गई भारत की, 1911 में, जो ऑप्शन में था इसलिए 1911, यदि 1912 होता तो हम लोग 1912 कहते या लगाते, ठीक। आंसर क्वेश्चन नंबर 17, फिरोज शाह कोटला मैदान का इस समय नाम क्या रख दिया गया, अरुण जेटली जी के नाम पर रख दिया गया है इसका नाम, इसमें अरुण जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, रेड पेज टू सही है। क्वेश्चन नंबर 19, रेड क्रॉस का नाम किसने दिया, हेनरी ड्यूनेंट, जिसका रेड क्रॉस का वैसे का मानव अधिकार संस्था है ये एक प्रकार का, इसका नाम हेनरी ड्यूनेंट ने दिया। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, महानदी कहाँ से निकलती है, सिहासा नामक पर्वत, इसके धनवंतरी धनतरी जिला रायपुर से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, पेरियार नदी कहाँ पर है, केरल में पेरियार नदी। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, प्रथम बार नरेंद्र मोदी जी ने का शपथ कब लिया, प्रधानमंत्री की शपथ कब ली, 26 मई 2014 को प्रथम बार उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत से के संरक्षण में, ये हमारी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पर है, गुजरात,
भारत के गुजरात का सबसे लंबा तट है। हवा में ध्वनि की चाल क्या है? 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि की चाल जो है वो 332 मीटर प्रति सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 27, संगीत मिर्ची अवार्ड किसे मिला? अरिजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 28, एगमार्क किससे संबंधित है? एगमार्क किससे संबंधित? खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से, जो गुणवत्ता को मापने के लिए एगमार्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, टोवाटेक सिंह की पुस्तक है सादत हसन मतो की लघु कथा है, ये प्रकार की सादत हसन मतो। क्वेश्चन नंबर 31, पांडिचेरी किसकी बस्ती है? ये फ्रांसीसियों की बस्ती है, इसे फ्रांसीसी रहा करते थे पहले, इसलिए आज वेल डेवलप्ड है ये भी। क्वेश्चन नंबर 32, एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? गुन्नार मिड्रल, गुन्नार मिड्रल की यह पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मुझे में कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 34, शत में कौन सा प्रत्यय लगा दिया जाए कि स्त्रीलिंग हो जाए? आ प्रत्यय लगा देने से स्त्रीलिंग हो जाता है। सूरदास की भाषा ब्रज, अवधित होगी नहीं इसलिए ब्रज। सिर का बोझ उतारना, सिर का बोझ उतारने में दो एक जैसे ऑप्शन लग रहे हैं, बात का पक्की हो जाना, भार टालना, पर यहाँ होती है सिर का बोझ उतार देना, किसी को बोझ उतार देना, भार टालना, ये हो सकता है, यही क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ जाना, ये मुहावरा है, मुहावरा। क्वेश्चन नंबर 38, सर से पांव तक के लिए एक शब्द आपद्मस्तक। 39, संप्रदान कारक में विभक्ति कौन है? के लिए। बहिर्मुखी में कौन सा समास है? बहिर्मुखी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। थैंक यू। 41, कीपड़ क्या है? तत्सम है या तद्भव? ये तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, आंसू शब्द क्या है? यह पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट 43, कौन हास्य कवि थे? हरिशंकर परसाई हास्य कवि हैं। नेक्स्ट 44, ज्यों ज्यों त्यों त्यों में अलंकार अनुप्रास है, यह अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, आश्रय के चेष्टाओं को कहते हैं अनुभाव, आश्रय के चेष्टाओं को कहते हैं अनुभाव। नेक्स्ट 46, अस्थाई भाव को जगाने वाले को कहते हैं विभाव। नेक्स्ट 47, स्वाभिमान एवं स्वाधीनता किससे संबंधित है? कबूतर से। नेक्स्ट 48, मैं खाना खा रही हूँ, ये कौन सा काल है? यह वर्तमान काल है। थैंक यू।